फ्रॉम दिस एरिया टू दैट एरिया गुप्त घाट देयर विल बी 50 केसेस यू विल गेट देयर। आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ बीजेपी, लेकिन सच्चाई बोलना चाहिए। कोई हमको खाने का नहीं देगा, हमको देते हैं भाग। जिसका घर चला गया, मंदिर चला गया, बीजेपी वाले इनके एंटी हो गए, इसलिए साइकिलिया वाले की जय हो। यहाँ ब्रिज पे खड़ी हो, ठीक है, ये भी गिर सकता है क्या? नहीं, पहले मेरी बात सुनो। इतना बड़ा ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने काम किया और अयोध्या से हार गए। क्यों हारे? ऊपर वाला देखता है। प्राण प्रतिष्ठा उसको करना चाहिए जो पति पत्नी हो, उसी का अधिकार होता है, दूसरे का अधिकार नहीं होता है। तब अब स्वाहा स्वाहा करता है तो नाम कबाए भी नहीं, बिन यही बिन बीजेपी चली गई। जय सियाराम, गलत की हो तुम। राम तो जान ही रहे हैं सब कुछ, तब तो उनके ऊपर पानी टपक रहा है। घोटाला नहीं हुआ है तो होल क्यों हो रहा है, पानी क्यों टपक रहा है? तो उसी में पाइप, उसी में मालूम पड़ा एक साल बाद दूसरा बजट आया, इसको तोड़ो, हटाओ इसको। क्यों मैरारू छोड़ दिए? आप भी तो छोड़ दिए। सामने छोड़ा तो साधु हो गए, उनको भी साधु हो जाना चाहिए ना। यह तन सती भेट अब नाही। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। ऐसे तो अयोध्या को आपने कई बार देखा होगा, लगातार दिखाया भी जा रहा था। 22 तारीख से तमाम न्यूज़ चैनलों पर एक चर्चा थी कि मंदिर इतना सुंदर है, मंदिर इतना भव्य है, मंदिर इतना अलौकिक है, मंदिर जैसा बना है वैसा और दोबारा बनाया भी नहीं जा सकता, इतना सुंदर है। मंदिर पर भूकंप का असर नहीं होगा, मंदिर पर बाढ़ का असर नहीं होगा। मंदिर को बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो देश के अलग अलग कोनों से बुलाए जा रहे थे और इसकी चर्चा बड़े बड़े चैनलों पर लगातार होती रही। लेकिन पहली बारिश ने असर दिखाया और जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने खुद बताया, मैं नहीं बता रही, उन्होंने बताया कि मंदिर पर पहले तो पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई और दूसरा मंदिर में रिसाव हो रहा है और पानी टपक टपक कर राम जी के ऊपर ही गिर रहा है। तो इससे आपको सभी को पता है कि मंदिर जो है और जो मूर्ति है वो मिट्टी की है, अगर पानी मिट्टी की मूर्ति के ऊपर गिरता है तो कहीं ना कहीं मूर्ति पर भी असर होगा। और ये सारे सवालों के बीच फिर से अयोध्या इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि अभी मैं आपको स्टेशन के पास वाली दीवार दिखा के आई हूँ, कैसे स्टेशन के पास की दीवार जो है वो गिर गई है। अब नए घाट मीरा चौक के पास के रोड को बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन जो है वो छेद हो चुके हैं। तो अयोध्या मॉडल पर फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। वो जो चैनल आपको दिखा रहे थे इसके उलट एक सच्चाई ये भी है कि अयोध्या में कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उस सिस्टम में कुछ तो घोटाला हुआ है। बाबा, घोटाला नहीं हुआ है तो होल क्यों हो रहा है, पानी क्यों टपक रहा है? अब घोटाला ठेकेदार की है कि गवर्नमेंट किया है वो जाने वो लोग, ठीक है, या तो राम जाने। राम तो जान ही रहे हैं सब कुछ, तब तो उनके ऊपर पानी टपक रहा है। क्या हो गया मंदिर में? मंदिर में क्या है माता, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। उसमें सरिया नहीं है। मंदिर में सरिया नहीं है? नहीं, देयर इज नो, यू कैन व्हाट यू विल आस्क, स्टोन बड़ा बड़ा पत्थर, ओनली स्टोन। और जो ज्वाइंट है वो मिस्त्री लोग बरोबर भरे नहीं है, ज्वाइंट को सांधे को भरा जाता है। तो लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं, तो ठेकेदार उसके जिम्मेदार है, कॉन्ट्रेक्टर। बिकॉज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू बजट 1 करोड़, ये मेरे को करके दे, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी हुआ है मिस्त्रियों का गड़बड़ी है, कारीगर जिसको बोलते हैं, उसका ज्वाइंट बरोबर नहीं भरे, इसके वजह से प्रभु श्री राम के ऊपर पानी टपकना चालू किया प्रथम ही बरसात में। अभी मानसून आया भी नहीं है, बारिश हुआ भी नहीं है, अभी पहली बारिश है। तो अब क्या करेंगे वो लोग, उसके ऊपर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे मंदिर के ऊपर जिससे पानी का रिसाव बंद हो। अब उसके लिए योगी, गर्भगृह में पानी पहुंच गया है। पहुंच गया माता। हाँ, वो गर्भगृह जहाँ दर्शन करने वाले जो दर्शालु हैं उन तक को पानी ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अगर आप चाहें कि आप राम जी को अभिषेक कर दें उन पर जो है वो पानी या दूध या घी या शहद कुछ भी चढ़ा दें तो आपको इजाज़त नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है उसने पानी जो है वो राम जी के ऊपर चढ़ा दिया है और उनका जो है अभिषेक कर दिया। हाँ, अभिषेक हो गया, किसी को अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने उनको अभिषेक कर दिया माता। हो सकता है कि राम जी को गर्मी लग रही हो, इंद्रदेव ने वर्षा की हो, तो ये हम लोग कहाँ रोक पाएंगे उस चीज को, हम लोग कहाँ रोक पाएंगे उसको, तो इंद्रदेव भी नहीं रोक पाएंगे, प्रभु श्री राम ही रोकेंगे। अब कैसे रोकेंगे वो रोक देंगे। और ये गड्ढा कैसे हुआ सड़कों पे?
गड्ढा कुछ काम चल रहा है, मैं भी घूमता रहता हूँ, निरीक्षण करता रहता हूँ, तो जब काम चालू है माता तो कुछ न कुछ उसमें जब तक कंप्लीट नहीं होएगा गड़बड़ी बारिश की वजह से हो जाता है। हाँ, एक दर्जन? हाँ, एक दर्जन नहीं, 50 हो सकता है। फ्रॉम दिस एरिया टू दैट एरिया गुप्त घाट देयर विल बी 50 केसेस यू विल गेट देयर। अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे हैं? अंग्रेजी, आई एम बी कॉम फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसलिए तो बोला ना, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आज बाबा हो गया हूँ क्या? देखो चप्पल चोरी हो गया माता, देखो रात में चप्पल चोरी हो गया, कमंडल रखा था, गिलास रखा था। कौन ले जा रहे हैं भाई ये सब? अरे चोर लोग ले जा रहे हैं और क्या है? चोर और कौन ले जाएगा है? चोर क्या करेगा, 150 रुपए चारी लोग का चप्पल भी गायब हो जा रहा है। अरे माता ये देखने के नहीं स्थिति में चल रहा हूँ, सामने तुम्हारे खड़ा हूँ। कमंडल उठा ले गए, गिलास उठा ले गए, तो तब तक मैं वहाँ बैठा था तो एक आदमी देखा, बोला अरे महाराज वो भंगार वाला तुम्हारा लेके जा रहा है। हाँ, जो बोतलवा चुन रहा था तो डाल लिया, लेके गए। अब बताओ, हम तो खरीदा तो 150 रुपये में खरीदा, तुम बेचोगे तो कितने में बेचोगे मालूम है? 25 रुपये में। 25 रुपये, ये है चाल। तो बाबा ये मंदिर को लेके अब चर्चा हो रही है, कुछ जगह पर ये बताया गया, जो मुख्य पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं कि पानी के बहाव की भी कोई व्यवस्था अंदर मंदिर में है नहीं, भगवान जी को भी पोछ के ही काम चलाया जाता है, उनको जो है वो अभिषेक इसलिए भी नहीं किया जाता, मारा जाता है, पोछा मारा जाता है। हाँ, पानी के बहाव की व्यवस्था नहीं, नहीं व्यवस्था है, तो जब ऊपर से चूहेगा तो कैसे बहेगा? पोछो मारे पुजारी लोग क्या करेंगे? पुजारी टेक पेमेंट फॉर दैट क्लीनिंग एवरीबॉडी, तो पैसा लेते हैं तो कमवा के करे, हम तो जाए करम, पुजारी को करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन पुट अप करिए। और तो सिस्टम का लूफॉल जो है वो राम मंदिर अयोध्या में दिखने को मिल रहा है, हालांकि इसके सफाई में भी कई बार कई चीजें सामने आई हैं। ये बताया गया है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, तो लाइटिंग वगैरह के लिए और सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं कहीं होल किए जा रहे हैं, कहीं छेद किए जा रहे हैं, जिस वजह से पानी का रिसाव वाली बात पर अभी कोई सफाई नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि लाइटिंग के लिए कहीं कहीं छेद किया गया और अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तो एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, हाउ जो स्टेशनों का दिवालिया गिर गया, दिवालिया गिर गई, दिवालिया सही ना बने रहे, दिवालिया उलट गया हुआ है। नीचे क्या होता है माता, ये ब्रिज पे खड़ी हो, ठीक है, ये भी गिर सकता है क्या? नहीं, पहले मेरी बात सुनो, ब्रिज पे खड़ी हो, अगर कोई इंजीनियर कॉन्ट्रेक्टर नीचे घपलेबाजी करेंगे तो उसका असर ये पड़ेगा कि जल्दी जल्दी ब्रिज खत्म हो जाएगा। तो मेन चीज होता है फाउंडेशन, समझ रही हो नहीं माता? फाउंडेशन जिसका जड़ मजबूत रहेगा तो वह पेड़ भी मजबूत रहेगा, और जड़ नहीं मजबूत रहेगा तो थोड़ा तूफान आएगा तो पेड़ ऐसे हो जाएगा। जो बन रहा था तो देख रेख कोई नहीं किया क्या? अरे माता, जब बन रहा था तो हम लोग उतना मतलब नहीं रखते थे जाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना घोटाला हो जा रहा है अयोध्या में, और अयोध्या वाले खुद ही घोटाला कर दिए। अयोध्या में कहाँ घोटाला हो रहा है, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कहाँ घोटाला हुआ है। मंदिर में हो जा रहा है, मंदिर चू रहा है, सड़क गड्ढा हो जा रहा है, दीवार गिर जा रही है। माता अभी सब काम चल रहा है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होएगा चीजें आपको। स्टेशनवा तो कंप्लीट हो गया था, स्टेशनवा तो कंप्लीट हो गया, स्टेशनवा में गड़बड़ी करें कहें तो फाउंडेशन उसको नीचे पूरा न्यू ले जाना चाहिए। न्यू तो पूरा नीचे लाइन आ गया, केवल 100 पीस में माल डाल के धई देन, जब पानी बरसा तो दीवार ऐसे होगी। दीवार गिर गई है और उसमें नीले रंग का एक आर्टिफिशियल दीवार तैयार किया गया है कि कुछ कैमरे उस दीवार को कैद करके अयोध्या की वो वाली सच्चाई ना दिखा दे जो लोगों तक पहुंच जाए, तो उस पर प्लास्टिक की दीवार खड़ी कर दी गई है और उसको दोनों तरफ से पैक कर दिया गया है कि इधर उधर से जाने वाले लोग दिखा कर ये बता ना दे कि वही स्टेशन के पास। ये भी तो हिल रहा है बाबा, ऐसा ना हो कि नीचे समा जाए। ये हिल रहा है, मैंने ब्रिज में काम किया है, कहां अंधेरी मुंबई के अंदर, तो बताता हूँ, तो उसमें इतनी मोटी मोटी सलिया कंटिन्यू डाला जाता है, यानी जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो वो जो है। बताइए अयोध्या वाले क्यों बीजेपी को वोट नहीं दिए? बीजेपी को वोट, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ बीजेपी, लेकिन सच्चाई बोलना चाहिए। कोई हमको खाने को नहीं देगा, हमको देते हैं भक्त। उसमें गड़बड़ी ये हुआ माता, इन्होंने जितना तोड़ फोड़ कर दिया है, जिसका घर चला गया, मंदिर चला गया, के धंधे पानी गए, तो वो लोग इनके एंटी हो गए,
बीजेपी वाले इनके एंटी हो गए, इसलिए साइकिलिया वाले की जय हुई यहाँ, इसलिए साइकिल वाले जय हो गए यहाँ। आप मेंबर ऑफ बीजेपी? हाँ, अपने पार्टी को भी नहीं छोड़ता ना, यही तो मोदी का देख ला। एक दिन आप सीन देखी होगी, ऐसे लगा हुआ था, योगी सोचन मोदी बैठा है यहाँ से जाए करन, तुरंत हाथ पकड़ लेन कहीं आगे से जाओ। आपने सीन देखा हो? देखा है। नीतीश कुमार के लिए भी ऐसे ही किए थे क्या? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे से जा रहे थे, उनको भी आगे से ले गए। वो तो दलबदलू, उधर भी गिर रहा है, दलबदलू नेता है। कौन किस दिन बीजेपी की सरकार गिरा देंगे, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये जो बाहर से लोग जो हैं, जो अयोध्या के नहीं है, कुछ अयोध्या के पुजारी लोग भी हैं, नाम नहीं लेना चाहती, वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो दुष्ट हैं, बेईमान हैं, बीजेपी को वोट इन्होंने नहीं। अयोध्या वासी बताइए, इतना सुंदर मंदिर बनवा दिया आपके लिए, जिसकी चर्चा देश विदेश में हो गई, और आप लोग योगी जी को ही हरा दिए, मोदी जी को ही हरा दिए, कहाँ है भाई? अरे भैया बताए तो जवन तोड़ फोड़ करे हैं ना, मनाई सब साइकिलिया वाले को वोट दे दिए हैं, बीजेपी के मेंबर होते हुए कैंडिडेट नहीं दिए उनको, नहीं दिए। राम को वोट देना चाहिए था कि साइकिल को वोट देना चाहिए था? ये बतावा, जब राम कोटिंग पड़े तब यहाँ होगी, मोदी राम थोड़ी के हुए हैं। आप देखे नहीं क्या? क्या नहीं देखे? मोदी जी को लेके, मोदी जी किसका हाथ पकड़ के लेके आए थे अंदर? कहाँ? मोदी जी किसका हाथ पकड़ के लेके मंदिर के अंदर ले जा रहे थे? सुनिए मैं बताता हूँ। राम को कौन लाया है? मोदी जी नहीं लाए? मोदी जी लाए हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ तो इनको नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, प्राण प्रतिष्ठा उसको किया जाता है जो मियाँ बीवी हो। तुम तो अपने बीवी को छोड़ दिए हो, अब आए हो प्राण प्रतिष्ठा करने, दैट इज रॉन्ग। क्या तो नाम है उनका, बेचारी टीचर थी, अभी कोई आश्रम में रहती है, यशोदा बहन, यू आर राइट, यशोदा बहन। तुमने अपने बीवी को छोड़ दिया तो तुमको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, तुम्हें साइड में खड़ा हो जाना चाहिए बस। प्राण प्रतिष्ठा उसको करना चाहिए जो पति पत्नी हो, उसी का अधिकार होता है, दूसरे का अधिकार नहीं होता है। तब अब स्वाहा स्वाहा करता है तो नाम कबाए भी नहीं, बिन यही बिन बीजेपी यहाँ से चली गई। जय सियाराम, गलत किया तुम। कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार अगर कोई अगर कोई शादी शुदा है तो उसको अपनी धर्म पत्नी के साथ ही कोई पुण्य का काम करना होता है। बाईं तरफ जो है वो पत्नी बैठती है और दाहिनी तरफ पति बैठते हैं, तभी जो है वो स्वीकार होता नहीं तो नहीं स्वीकार होता। तो इसलिए नहीं स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए तो साइकिलिया वाला निकल गया यहाँ से। इतना बड़ा ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने काम किया और अयोध्या से हार गए। क्यों हारे? ऊपर वाला देखता है, जवन धांधले बाजी करे है, स्वाहा स्वाहा करे है, तो ओकर प्रतिफल तो का मिला यहाँ से। अब जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोला जा रहा है। जय श्री राम सबके हैं, ऐसा नहीं कि योगी मोदी के हैं, जितने हिंदू हैं सब उनके श्री राम हैं भक्त। तो हिंदू लोग काहे राम जी को वोट नहीं किए भाई? अच्छा ही बतावा माता, तो मंदिर गए, मंदिर बना, अब आपकी रोजी रोटी छिन गई तो छिन जाने दिए होते, आपको राम को जिताना चाहिए। नाउ आई विल आस्क टू यू क्वेश्चन, आई विल आंसर इट इन प्रॉपर सिचुएशन। ये बताइए, हिंदू सब हैं, हिंदू तो सब है ना, लेकिन सब पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके अलावा भी अनुप्रिया पटेल वटेल छोटे छोटे चीजें आ गई हैं, अपना दल है। हाँ, तो ऐसा है, हर व्यक्ति को वोट देने का अपना अधिकार होता है, किसको भी वोट दे सकता है, उसके लिए बीजेपी सपा बसपा हमको दबा नहीं सकती। इट इज माई राइट, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बना दिया है संविधान, भीमराव अम्बेडकर। तो आप एक साधु हैं, पुजारी हैं, इसके बाद भी आप इस बात को मानते हैं कि देश जो है वो संविधान से चल, संविधान चल रहा है, तो लोगों ने वोट नहीं दिया वो सही किया। अगर उनको दुख था, उनको दुख अपना अपना मकान जाने का, अपना दुकान जाने का, तो ना दे के उन्होंने सही किया, नहीं दिए, चलो इस बार नहीं दिए। देखो काम उन्होंने बढ़िया किया है, जो सड़कें चौड़ीकरण कर दिया शायद संभव नहीं होता, मालूम पड़ा एक ही कहा कहने का तोड़ा तो एक ही सांसद का और विधायक का फोन आया, अरे भैया नहीं नहीं नहीं, हमारा रिश्तेदार है, आप हाथ नहीं लगाओगे उसमें, तो सड़कियाँ कहाँ चौड़ी हो, कितनी पब्लिक आना चालू कर दिया, जब से प्रभु श्री राम बैठे हैं तब से चार गुना पब्लिक आ रहा है। चूँकि मैं डेढ़ साल से यहाँ हूँ, प्रयागराज। देखिए बात ये सही है कि अयोध्या जैसी अभी दिख रही है वैसी पहले नहीं दिखा करती थी। अयोध्या सुंदर हुई है, अयोध्या अपने आप में बेहतरीन हुई है,
लेकिन इसके उलट एक और भी चीज़ है जो अपने आप में कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। दीवार गिर जाना, सड़कों पर होल हो जाना, मंदिर में पानी टपकना, ये सब कहीं ना कहीं जनता के ही सवाल है। जनता ने पैसा दिया था तब मंदिर बना था, जनता ने पैसा दिया तब सड़क बनी, जनता ने पैसा दिया तो दीवार चलाई गई, बाउंड्री चलाई गई। तो जनता के पैसे को बर्बाद तो कहीं ना कहीं किया गया। कौन देता है टेंडर बाबा, आपको जानकारी है? नहीं नहीं, नहीं जानकारी। लेकिन एक चीज बोलूंगा, पैसा पब्लिक का रहता है तो ये गवर्नमेंट ये क्यों, मैं कई बार देखा हूँ, चाहे मुंबई की बात बताऊँ चाहे तुम्हारे यूपी की बात बताऊँ, थोड़ा साइड में हटो तो बताइए, इतना छोटा सा चक्रोट है उसको सड़क का रूप दे दिया जाता है गाँव में, ठीक है, तो उसी में पाइप उसी में मालूम पड़ा एक साल बाद दूसरा बजट आया, इसको तोड़ो हटाओ इसको, अब ऐसा ऐसा करना है, तो किसकी पब्लिक पैसा जाती, पब्लिक पैसा जाती, तो पहले डिसीजन लेना चाहिए मैं काम ऐसा करूं कि जो निरंतर हम रहे अथवा दूसरी गवर्नमेंट आए उसके ऊपर काम करती चली जाए, ये डिसीजन होना चाहिए। समझे तो अभी तोड़ा जा रहा है कि नहीं, अभी जो बन गया वो तो, अरे सब तो टूट रहा है, अभी छोटे छोटे जो गलियां हैं। अच्छा बाबा, ये जो सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं अयोध्या वासी को, इसको कैसे देखते हैं? लगातार एक हफ्ते 15 दिन तक चर्चा बनी रही कि अच्छा हुआ कि राम जी जो है वो वानरों को लेकर गए थे, अगर अयोध्या वासियों को लेकर गए होते तो सब सोना बीनने में रह जाते और राम जी भी नहीं वापस आ पाते, तो अच्छा हुआ कि वानरों की सेना ले गए थे, इंसान ऐसे होते हैं। और कई जगहों पर बोलना तो नहीं चाहिए ऐसे शब्दों को, पर मैं बस बता रही हूँ आपको, कई जगहों पर दुगला कहा गया, कई जगहों पर कुछ और कुछ और कुछ और, कुछ लोग मिंत्रा कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, इस चीज को कैसे देखते हैं? माता 550 मुंह है, ये उंगली बराबर होती है? नहीं, ये उंगली बराबर है? नहीं, नहीं। तो ऐसे पब्लिक है, पब्लिक का दिमाग है, बस समझ रहे हो? नहीं, एक दिन मैंने देखा था राम पैणी में आकर रो रहा था आदमी, हम बगल में बैठे थे, कोई भी भक्त था, तो हम बोला महाराज क्यों रो रहे हो आप? बोला हम घर विहीन हो गया, खाने का ठिकाना नहीं हमारा, जो हम अपन बिजनेस किए थे सब खत्म हो गया मेरा, रो रहा था बेचारा। तो एक बगल वाला ने 100 रुपये दिया, कहा जाओ भोजन करो, कहा असर पड़ेगा ना, वो आदमी ओढ़ देगा इनको? नहीं देगा। नहीं ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो कहीं व्यवस्था दो उनको ना, जो छोटी मोटे चीजें हैं टूट जाती है। जिनका घर टूटा उनको व्यवस्था दी गई कि नहीं? कहाँ दी गई? नहीं दी गई, इसलिए तो रो रहे हैं। कहाँ गए जिनका घर टूटा, कहाँ गए? चार पांच तो राम पैड़ी में सोते हैं। अच्छा, चार पांच ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ रेगुलर राम पैड़ी के पास, अपना घर था वो टूट गया, टूट गया, छोटा सा घर था उसी में उनका गुजारा चल रहा था, वो चला गया, साला वगैरह भी नहीं बना, कोई ऐसा घर भी नहीं बना जिसमें, ऐसा कुछ नहीं, एक स्टेशन वहाँ पर वहीं बनाए हैं, स्टेशन वहाँ पे यात्री आने के लिए, बाकी कहाँ व्यवस्था है कि रह ले आदमी। मैं हूँ, दिन में भोजन किससे मांग लेता हूँ, भक्त से खा लेता हूँ और सोता हूँ राम पैणी में, कौन सा स्थान है जहाँ जाके सो जाऊँ? अब तो बारिश आने वाला है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊँगा? ये उसके छज्जा के नीचे भागो, वो बस स्टॉप पे भागो, पेड़ के नीचे भागो, ये आप मेरे तरफ से मैसेज दो कि साधुओं के लिए जो रेगुलर ढंग से अपन रह सके, योगी मोदी को बोलो 1-2 करोड़ रुपए 5-10 करोड़ लगा के वो भी बनवा के दें अयोध्या में, एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ बन रहा है, साधुओं के लिए रहने के लिए क्या बनाए हो बताओ? कहा था बाबा 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 बाबा, 6 दिसंबर 1992 में हाई स्कूल में पढ़ रहा था, आया था अशोक सिंगल का सर फट गया था, तो मैंने मेहनत किया, प्रयास किया प्रभु श्री राम के लिए, पढ़ने के बाद साधु क्या करने बन गए, कुछ नौकरी वोकरी क्यों नहीं की? इतनी अच्छी इंग्लिश है आपकी। आफ्टर सम टाइम आई वॉज सुपरवाइजर इन हीना नंदिनी बिल्डर इन मुंबई। अच्छा, सुपरवाइजर था, 30,000 मेरा वेतन था, लेकिन हम फक्कट टाइप के थे, तो शादी शुदा सब कुछ, औरत बच्चे, मेरा 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सीजन टाट। आप मोदी जी को बोल रहे हैं कि महरारू छोड़ दिए, आप भी तो छोड़ दिए, सामने छोड़ा तो साधु हो गए, उनको भी साधु हो जाना चाहिए ना, कहे रन नींद में चले गए, साधु होना चाहिए उनको। हाँ, अगर हमने बीबी छोड़ा तो आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ, सीताराम सीताराम, फल ही नहीं मिलता होगा, आप भी
जब तक मेहरारू साथ पूजा नहीं करेंगे तब तक फल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आधा पुण्य आपका उनको लग जा रहा है। तो हमारा लगने दो ना, लगने दो, हम भले छोड़ दिए लेकिन कम से कम बीबी तो मेरे सुखी है। बात होता है फोन पे कि नहीं? शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेट अब नाही। तो कोई चीज का संकल्प करो और कोई चीज का वैराग्य लो तो वैराग्य लो जीवन। मर जाओ, हाड़ मास शरीर सब मर जाएंगे, बीवी भी मरेगी, माँ बाप भी मरेंगे, हम भी एक दिन मरेंगे। इसी को कहते हैं त्याग। अब मेरे कुल खानदान में नौवा साधु हैं मैं, यानी नौ पीढ़ियों से साधु कंटिन्यू चले आ रहे हैं मेरे कुल खानदान। अच्छा, बहुत सारे लोग लगातार 15 दिनों से, तो मेरी खुद की भी नज़र है इस पर, 2 या 3 खबरें मैंने खुद से भी बनाई हैं, जो लगातार लोग अयोध्या वासी को पानी पी पी के अपने मन की बात से नवाज रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। उनको ये बताना है, जिस दिन आपके प्लेट की रोटी छिन जाएगी ना और आपके ऊपर से छत चला जाएगा, उस दिन ये राम के नाम पर जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर बनाया है तब भी वोट नहीं दिया, राम का इतना भव्य मंदिर बनाया तब भी वोट नहीं दिया, आपके प्लेट से रोटी नहीं छीनी गई है, आपका दुकान नहीं छीना है, आपके छत से मकान नहीं छीना है, आप अपने एयर कंडीशन रूम में बैठ के जो ज्ञान दे रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने वोट नहीं दिया, गलत किया, मुल्लों के साथ मिल गए हैं, सपा के साथ मिल गए हैं, इनके साथ मिल गए, उनके साथ, भाई रोज शाम को भूख लगती है, खाना खाना पड़ता है इस शरीर को चलने के लिए। तो जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि अयोध्यावासी जो है वो सपाई है, अयोध्यावासी मुस्लिमों से मिले हुए हैं, उनको आकर एक बार देखना चाहिए, जो चमचमाती रोशनी है ना इससे पेट नहीं भरता है। हाँ, ये बात सही है कि अयोध्या चमक रही है, ये बात सही है कि विश्व पटल पर इसका नाम है, लेकिन कभी भी जाकर उन लोगों से पूछेगा जिनका घर छूट गया है। एक महिला जो रोते बिलबिलाते हुए मेरे कैमरे में कैद होकर ये कहती है कि मेरी इतनी जवान बेटियाँ हैं, शादी कौन करेगा बताइए, मेरी बेटियों की रक्षा कौन करेगा बताइए, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूं जो आके गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी बेटी का ब्याह करा देंगे आप, नहीं करा पाएंगे, उनको घर दिला पाएंगे आप, नहीं दिला पाएंगे। तो जिनका घर छूटा है वो अपनी नाराजगी जताएंगे और उनके पास सिर्फ एक लोकतांत्रिक तरीका है, वो है ईवीएम का बटन, जो उन्होंने दबाकर बताया कि अगर आप हमारा घर छीन रहे हैं तो हमें एक घर भी दीजिए। हमारा सीट छीन लूंगा, छीन लिए, तुमने हमारा घर छीना, हम तुम्हारे लोगों का घर छीनाया। अरे बहुतों को माता कभी दौड़ा करो, आग पास गाड़ी है, हम तो साधु आदमी देखा चप्पल चला कर कैसे कैसे गर्मी में चली, तो हमको तो मिलते ही नहीं है लोग, हम तो घूमते ही रह जाते हैं। तो देखो आज था आपका प्रेम, बाबा मिला, ट्रैक्टर से जा रहा, ट्रैक्टर वाले कहा हम कह लेते चल, देखा कि बाबा के पास चप्पल सप्पल, पूछने लगा कहा क्या करूं बाबा, आप कहीं इतना नाराज है, आपके लिए इतना सुंदर मंदिर बना है, दर्शन करने वाले जो लोग दर्शनार्थी आते होंगे वो कुछ आपको भेंट भी करके जाते होंगे, तब आप काहे नाराज हैं? हम नाराज उनको होने दी जिनका मकान गया। हम नाराज इसलिए हूँ कि हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था चाहिए। योगी मोदी को यहाँ से संदेश दो कि यह भी एक बाबा है एजुकेटेड फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसने अपने घर का त्याग कर दिया है। हम राजनीति में नहीं जाते लेकिन साधुओं को रहने के लिए व्यवस्था तो दो। धर्मशाला नहीं है क्या? कहाँ है धर्मशाला? धर्मशाला में रुपया लगता है, रुपया लगता है। जाओ कभी तो मालूम पड़े, अगर भोजन भी करोगे तो भैया इतना बड़ा के बिल 250 रुपए एक दिन का, 250 रुपया एक एसी रूम का मिलता है। तो एसी में साधुओं कराने क्या जरूरत? साधु और नॉन एसी सब एक ही है वहाँ। बाबा कितना पैसा लगता है इसमें धर्मशाला? अरे मैं कभी जिंदगी में रहा नहीं, हम तो राम की पैणी में रहता हूँ, हम तो राम की पैणी में रही थे। 10 सुनो माता, अभी 10 रुपया चाय फुटपाथ पे जी।